दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद आज ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हासिल किए जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को जो है वो जुडिशरी कस्टडी में सीबीआई को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट गए, किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली और उन्हें 20 तारीख तक तिहाड़ भेजा गया। कल उनकी सुनवाई बेल पर होनी है 10 मार्च को, लेकिन उससे पहले आज ईडी ने आज और कल तिहाड़ जेल में जाकर पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ में उन्हें वहां पर भी पाया कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सच बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही नेता को लंबा और हमेशा के लिए नाप दिया है। सत्येंद्र जैन पहले ही तिहाड़ जेल में है, अब उनका साथ देने के लिए मनीष सिसोदिया जी पहुंच चुके हैं। लगातार शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार होता रहा, अरविंद केजरीवाल जा तो सब जानते थे या जानकर सब कुछ होते हुए देखते रहे, जिसका अंजाम आज मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है तिहाड़ जेल में उनकी हत्या करवा दी जा सकती है, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन लोग हत्या कराएंगे, क्यों कराएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। ये खतरा अगर उन्हें किसी से है तो किसी दूसरे से नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल जी से है। वहीं सत्येंद्र जैन आपने देखा, रेप के एक आरोपी जिसका नाम रिंकू बताया जाता है, उनसे मसाज कराते हुए इसी जेल में तिहाड़ में पकड़े गए हैं और आज मनीष सिसोदिया पूरी तरह से शिकंजे में है। और मुझे लग रहा है ईडी और सीबीआई शराब के इस भ्रष्टाचार में पुख्ता सबूतों के आधार पर उम्मीद करते हैं अपनी साख को बचाते हुए निष्पक्षता से त्वरित इस जांच को पूरा करेगी और दोषी करार अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इसे राजनीतिक हथकंडा बनाकर बचने और बचाने का प्रयास ना किया जाए तो बेहतर रहेगा।